सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, अगर आप भी इस तरह 3D प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहना 3D क्वालिटी का प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, उसे प्ले स्टोर पर आप सर्च करके बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लोग आपको बताते हैं पिक्स आर्ट से, लेकिन मैं पिक्सल लैब से बताने वाला हूँ। इस बात पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जगह पर आप काइन मास्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप बोलेंगे मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा। तो फिलहाल आज के इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि हम पिक्सल लैब से या फिर किसी भी ऐप की मदद से 3D प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप के लिए कैसे बना सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अरमान, आप देख रहे हैं फास्ट पिक्सल किंग। प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाना है। आपको रिमूव वीजी सर्च करके यहाँ पहले वाले वेबसाइट में जाकर आपको उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, जिस पिक्चर का या फिर जिस इमेज का आप यहाँ बैकग्राउंड मतलब 3D प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं। तो ये रिमूव वीजी वेबसाइट है, बहुत ही आसान से इमेज को अपलोड करना और 10 सेकंड के अंदर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर आपको नीचे जाकर यहाँ इस इमेज को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। अगर HD में डाउनलोड करेंगे तो शायद प्रीमियम पैसा मांग सकता है, वैसे ही डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन में किसी भी एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, चाहे वो पिक्सल लैब हो या फिर पिक्सार्ट हो, चलेगा। पिक्सार्ट है तो बहुत ही अच्छा है, वरना पिक्सल लैब आपको ओपन करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिका है और पिक्सल लैब सभी के पास है। उसके बाद आपको यहाँ सिंपल सा क्लोज करके जो भी टेक्स्ट वगैरह है इसे डिलीट करना है, व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसे ट्रांसपेरेंट करना होगा। अभी फिलहाल आपको यहाँ जाना है लेयर में, जाकर आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया था, उसके बाद आपको इस तरह रख देना है। उसके बाद देखिए ब्रश वाला आइकॉन आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कलर आप अपने बैकग्राउंड में देना चाहते हैं। मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता, बाद में आपको बता दूंगा कि आप चेंज कैसे कर सकते हैं अगर आपने गलत कलर दे दिया है, मैच नहीं कराया। उसके बाद आप किस तरह ब्रश करते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह थोड़ा सा। उसके बाद आपको ऑल राइट करना है, यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ 1:1 का सिलेक्ट करके जो कि प्रोफाइल का साइज होता है। उसके बाद राउंड गोल वाला सर्कल सिलेक्ट करके इस तरह कुछ कट करके बना देना गोल वाला। उसके बाद जूम करके बिल्कुल सेंटर में रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ जाकर एडजस्ट करके कलर वगैरह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ ग्रीन चाहिए, इस ये वाला लाइट वाला ग्रीन जो बोलते हैं यही ग्रीन चाहिए, तो मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ। आप अपना कलर रख लेना। उसके बाद इसे यहाँ बैक कर लेना है, बैक कलर क्लिक करके इसे बैक कर लेना। उसके बाद आपको अपने पिक्चर के ऊपर कुछ इस तरह रख देना है, एक अच्छे तरीके से इसे यहाँ सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ सेट कर रहा हूँ, तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका जो मुंडिया है वो सर्कल से बाहर होना चाहिए, जिससे 3D पिक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ अपना जो भी है एक फ्रेम चाहिए होगा, उसके बाद आपको यहाँ जाना है ऐड करने के लिए। ये वाला फ्रेम है, देखिए ये जो सर्कल गोल वाला, इसे आधा आपको क्रॉप करना है। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन पर दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये रेड कलर में इसे इस तरह कुछ गोल वाला सर्कल जो उसी के ऊपर रखना है। याद रहे सिर्फ सर्कल जो उसी के ऊपर है उससे बाहर नहीं आना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे। ये रेड कलर में आपका जो भी कलर है आप उस कलर में चेंज कर सकते हैं। उसके चेंज कैसे करना है वो भी बताया, वरना फिर बोलोगे कैसे चेंज करना है बताया नहीं। इसको क्लिक करना है, यहाँ देखिए यहाँ चले जाना इस वाले ऑप्शन पर। उसके यहाँ ऊपर पहले वाले ऑप्शन के साथ आप छेड़खानी करके आप जो भी कलर है जैसा ग्रीन है तो ग्रीन रख लेना। उसके यहाँ नीचे दो और सेटिंग है, इन्हें आप बड़ा कमा कर आपके कलर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ऐप को पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने किस ऑप्शन पर क्लिक करके क्या किया है। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करके इस वीडियो को फुल HD में अपने गैलरी पर सेव कर लेना है। मैंने वैसे ही सेव कर लिया है क्योंकि मुझे अपने इसे अपने प्रोफाइल पिक्चर में नहीं लगाना है। उसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करना है। यहाँ पर आपने जब भी सेव किया था इसे यहाँ क्लिक करके इस तरह ले आना है। ले आने के बाद आपको यहाँ नीचे से इसे जो है जो नीचे वाला हिस्सा रह गया है इसे यहाँ इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद आप इसे ऊपर डन वाला जो ऑप्शन आ रहा है राइट वाला उसके ऊपर क्लिक कर लेना। डन वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने गैलरी में इसको सेव वाला ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर लेना। तो आप इस तरह 3D प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं अपने व्हाट्सएप के लिए। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना राय देना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना।